नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि सावन मास में व्रत का नियम आपको किस दिन से लेना है तो सावन मास का जो संपूर्ण नियम आप लेना चाहते हैं चाहे आप लहसुन प्याज छोड़ना चाहते हैं शिव मंदिर जाने का नियम लेना चाहते हैं पूरे सावन मास व्रत का नियम लेना चाहते हैं चातुर्मास का कोई नियम लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि संपूर्ण मास यानी कि सावन मास का नियम आपको किस दिन से लेना है तीन तारीख से या फिर चार तारीख से साथ साथ दोस्तों सावन का पहला व्रत आप आपको कब से प्रारंभ करना है जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल सावन मास में मात्र चार व्रत पड़ते थे इस कारण महिलाएं क्या करती थीं कि एक व्रत पहले का प्रारंभ कर लेती थी और सावन के चार मिलाकर पांच हो जाया करते थे क्यों पांच किया जाता है तो पांच की संख्या हमारे हिंदू धर्म में बेहद शुभ मानी जाती है तो इस कारण पांच व्रत किए जाते थे और तो क्या अब जो है सावन का पहला व्रत हम तीन तारीख से तीन जुलाई से शुरू करेंगे और फिर दूसरा दस जुलाई से तो कब से आपको व्रत शुरू करना है सावन महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है संपूर्ण नियमों और विधियों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइफ जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के काम की लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं देखिए सावन महीने की शुरुआत जो है वह चार जुलाई से हो रही है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तीन तारीख यानी कि तीन जुलाई से पड़ रही है तीन तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सभी मना रहे हैं तो ऐसे में चार तारीख से सावन की शुरुआत हो रही है लेकिन सावन मास में जो पूरे मास का व्रत धारण करना चाहते हैं सावन मास में शिवालय जाने का नियम लेना चाहते हैं कोई उपाय करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी शुरुआत तीन तारीख से ही करेंगे तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए जो भी आप सावन के नियम लेना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप तीन तारीख से करेंगे जो लोग चातुर्मास का कोई नियम लेना चाहते हैं अब तक नहीं ले पाए हैं वो लोग भी आज से यानी कि तीन तारीख तीन जुलाई से चातुर्मास का भी नियम को ही ले सकते हैं अब वो नियम ये भी हो सकता है कि आप पूरे मास शिवालय जाकर के जल चढ़ाएं आप भगवान भोलेनाथ को 21, 11 या फिर एक बेलपत्र चावल जो भी चढ़ाना चाहते हैं तो पूरे मास का जो नियम लेना चाहते हैं सबकी शुरुआत आप चार से अगर करते हैं तो ये गलती हो जाएगी आपसे आप तीन तारीख से करेंगे तो यह मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा एक दिन आपका छूट जाएगा यदि आप चार तारीख से इस नियम की शुरुआत करते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए व्रत हो कोई भी नियम हो आप शुरुआत तीन जुलाई से ही करेंगे तो ये चीज पहली चीज आपकी हो गई दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि पूरे सावन मास में व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं रख पाते हैं तो भी आपको मूली नहीं खाना है कोई पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है यहां तक कि हरी धनिया वगैरह का सेवन भी मत करिएगा चीजें निषिद्ध है रही बात दूध की तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूं कि दूध वैसे तो देखिए विषाक्त हो जाता है क्योंकि हरी घास गाय खाती है लेकिन देखिए समय-काल परिस्थितियों के अनुसार चीजों में बदलाव होता है अब कोई पहले गाय चरती थी फिर खुले मैदान में अब गाय चरती नहीं है और दूध भी पैकेट वाले आते हैं पता नहीं कैसे होते हैं क्या होते हैं तो सब मिलाकर अगर मैं कहूँ भी कि आप दूध ना पीजिए तो जो लोग चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं वो दूध के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप लोग दूध वगैरह का सेवन पीने के रूप में ना करें चाय या फिर सेक वगैरह जो भी पीते हैं उसमें आप लोग कर सकते हैं पीने के लिए आप यदि पीकर दूर सोते हैं तो कोशिश करें कि ना पिए क्योंकि सावन मास में इन नियम मतलब दूध पीना मना किया गया है हरी पत्तेदार सब्जियों खाने के पीछे भी एक कारण है कि उसमें कीड़े हो जाते हैं बरसात महीने के समय के कारण तो हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह भी इस बार ना खाएगा सावन में अब अगले नियम की बात करता हूँ तो अगली चीज है मूली मसूर इत्यादि नहीं खाना चाहिए कारण भी बता देती हूँ क्यों देखिए ये चीजें गरिष्ठ होती है और गरिष्ठ चीजें खा करके हम शिव पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं उसमें दिक्कत आती है तो ये चीजें मना की जाती है रही बात लहसुन प्याज की तो देखिए संभव हो घर में कोई झगड़ा ना हो तो आप सावन मास में लहसुन का भी त्याग करें आप बात कर लेते हैं कि सावन महीने की शुरुआत तो जो है वो चार तारीख से हो रही है लेकिन नियमों का प्रारंभ पूर्णिमा से ही हो जाता है तो ऐसे में आप पहला व्रत आप क्या करें किस दिन से करें तो चार तारीख से करें या तीन तारीख से करें तो देखिए हर बार जो है पूरे सावन में चार व्रत पड़ते थे और चार की संख्या नहीं बल्कि पांच की संख्या हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है इसलिए हम एक व्रत पहले का उठा लेते थे और चार सावन के सब मिलाकर हम सब पूरे साल में पांच सोमवार व्रत करते थे लेकिन इस बार ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है पहला व्रत आप तीन तारीख से नहीं बल्कि दस जुलाई से प्रारंभ करेंगे दस जुलाई से प्रारंभ करके व्रत करेंगे अब एक संशय और मन में आ रहा होगा वैसे तो वीडियो जा चुकी है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एक संस्था ये आ रहा होगा आपका कि पहला व्रत आपको जो शुरू करना है वो 10 जुलाई से करना है तो क्या जो सावन के बीज में अधिक मास आ रहा है उसमें भी जो व्रत पड़ेंगे वो आपको करना होगा या नहीं करना होगा तो देखिए वो यदि आप नहीं करते हैं किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है तो मत करिए नहीं तो बहुत अच्छा है वह व्रत भी आप कर लीजिए उसके बिना आपका व्रत अधूरा ही होगा लेकिन टेंशन ना लीजिए ये मत सोचिए कि व्रत आपका खंडित होगा पूर्ण नहीं होगा आप सिर्फ सावन सावन के दो दो व्रत कर लीजिएगा यानी कि दो जो अमावस्या के पहले होंगे और दो जो बाद में होंगे तो चार व्रत भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा यही होगा कि चार अधिक मास के भी करले बेहद पूरे दाई माना जाता है अधिक मास में किया जाने वाला व्रत तो ये थे आपके प्रश्न जिनका की जवाब देना मेरे लिए बहुत आवश्यक था तो उम्मीद करता हूँ इन जवाबों से आप संतुष्ट होंगे अगली चीज है दोस्तों की किसी भी तरह से सावन मास में एक चीज का और ध्यान देना है कि जो लोग सावन मास में दिन में सोने का मतलब जिनकी आदत है और सावन का व्रत रखते हैं वह लोग इस आदत को छोड़ दें क्योंकि सावन मास में पूरे मास जो है व्रत रखा जाता है तो ऐसे में एक मास अधिक भी बढ़ जाएगा और कदापि आप ध्यान रखिएगा बीच में जो मलमास अधिक मास पड़ रहा है उसे छोड़ना नहीं है क्योंकि पूरे सावन का नियम लेते हैं बीच में यदि आप एक मास के लिए छोड़ देते हैं तो आपका सावन मास का व्रत अधूरा माना जाएगा इसलिए ध्यान रखें सावन मास और अधिक मास दोनों मासों का व्रत आपको धारण करना होगा सावन मास के व्रत का नियम क्या है देखिए पूरे मास आपको पूरे दिन जो है पूजा पाठ के बाद फलाहार का सेवन करना है शाम को कोई मीठी चीज बना करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और उसको आप भोजन करें भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए तो यह है संपूर्ण सावन मास का नियम इस मास के नियम का आपको ध्यान रखना है दिन में सोना नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तामसिक चीजों से आपको दूरी बनाकर रखना है तो ये सब चीजें आपको अवश्य ध्यान रखना है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर आपकी लाइफ बहुत प्रेरणा देते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से ही आप जितनी भी आपके सवाल होंगे उनको मैं जवाब देता रहूंगा संभव हो तो वीडियो में और ना संभव हो तो कमेंट बॉक्स में तो इस तरह देता रहूंगा और उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में धन्यवाद